कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्जन हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसमें हमारा पहला था फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन ऑफ 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल फोर वैल्यूज आर सेम, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा they are positive, in third quadrant tan theta and cot theta are positive, in fourth quadrant cos theta and sec theta are positive, okay, so this happened according to the sentence add sugar to coffee, okay, which we had studied earlier in earlier classes, okay, so we start the third quadrant form. सेकेंड क्वाड्रेंट तक तो हम कर चुके, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट को देख रहे हैं, ठीक है, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल तो हो गया थीटा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी थीटा, यहां से लेके यहां तक ये टोटल एंगल है हमारा 180 डिग्री, तो ओवरऑल द एंगल विल बी 180 प्लस, ठीक है, सो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव द कन्वर्जन फॉर्म दैट इज 180 प्लस, ठीक है, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव द कन्वर्जन फॉर्म दैट इज 180 प्लस थीटा, तो आवर फर्स्ट कन्वर्जन इज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, हेंस दिस विल बी माइनस साइन थीटा, सेकेंड वन कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, दिस विल बी माइनस कॉस थीटा, बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज आल्सो नेगेटिव, नेक्स्ट थर्ड वन टेन ऑफ 180 प्लस थीटा, दिस विल बी माइनस, सॉरी दिस विल बी प्लस टेन थीटा, व्हाई, बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा इज पॉजिटिव, फोर्थ नंबर कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, फिफ्थ नंबर सेक ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा, दिस इक्वल टू प्लस कॉट, okay, so put it down,
ड्यूरिंग क्लास एक कंपल्शन है, सारे स्टूडेंट्स को अपना अपना वीडियो पूरे टाइम ऑन रखना है, ठीक है? सारे स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे ताकि मैं बीच बीच में चेक करता रहूं। वीडियो ऑफ करके जिस स्टूडेंट का भी वीडियो ऑफ रहेगा उसको मैं ग्रुप से बाहर निकालू। सो ऑल ऑफ यू जस्ट ऑन योर वीडियो, ऑन योर कैमरा, पंच, यश, गौरव, सारे स्टूडेंट अपना अपना वीडियो ऑन करके रखे रहेंगे। जिसका वीडियो ऑफ रहेगा उस वो ग्रुप से बाहर जाएगा, आराम से फिर रिकॉर्डिंग नोट करें। जैसे तुम्हारे बैच का ही वो एक बच्चा है ना, वो मैम के नाम से आ गया था, बीच में फिर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, तो इसलिए सभी के लिए है, तुम सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपल्शन है वीडियो ऑन रखना। और अब यश, वंश, कर दी सर वीडियो ऑन, नहीं दिख रहा मुझे। गौरव यादव, वंश, पूरे टाइम वीडियो ऑन करके रखना। साहिल, दक्ष, पुनीत, मोक्ष, जतीन, सव्या, हरीश, अभिषेक, सारे स्टूडेंट अपना अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे, मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा। चलो तो ये हो गया हमारा, अब हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? साइन ऑफ 765 डिग्री, ठीक है? तो क्योंकि सर्कल घूम के वो दोबारा 360 बनता है, तो 765 को 360 से डिवाइड करो। पूजा 720, सो रिमेनिंग विल बी 45 डिग्री। सो आवर कन्वर्जन फॉर्म इज साइन ऑफ 2 × 360 प्लस 45। देखो कन्वर्जन फॉर्म क्या था, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा इक्वल टू थीटा, सो दिस विल बी साइन ऑफ 45 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√, ठीक है? सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, कोसेक ऑफ माइनस 1410, कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है? कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू माइनस कोसेक 1410, हो गया? अब 1410 को क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है, ठीक है? सो वी डिवाइड ऑल टर्म्स 1410 बाय 360, ठीक है? मेरे ख्याल में 4 टाइम्स आएगा क्या, 6 × 4 = 24, 12 नहीं होगा, 3 टाइम्स है, ठीक है? सो थ्री टाइम्स कितना हो गया, 108 0 11 - 8, ये बन गया 3, यहाँ पे भी हो गया 3, यहाँ हो गया 1 - 1 0, सो आंसर विल बी 330, ठीक है? सो माइनस कोसेक 3 × 360 प्लस 330, ये बन गया। अब दोबारा क्या है, कोसेक 360 प्लस थीटा, ठीक है? कोसेक 360 प्लस थीटा, 360 का जो भी मल्टीपल होगा, दिस इक्वल टू बनेगा कोसेक थीटा, सो दिस विल बी माइनस कोसेक 330, ठीक है? माइनस कोसेक 330 डिग्री। अब 330 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है?
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का कन्वर्जन फॉर्म क्या है 360 माइनस थीटा. सो दिस विल बी माइनस कोसेक 360 माइनस 30. 360 में से कितना माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक 360 माइनस थीटा कितना बनता है, माइनस कोसेक थीटा. सो दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस कोसेक 30 डिग्री. सो दिस विल बी कोसेक 30 डिग्री. कोसेक 30 की वैल्यू 2. सो दिस विल बी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. ये दिया है tan ऑफ 19 पाई बाय 3. पहले चीज तो पाई को डायरेक्ट कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम है, तो पाई इक्वल टू क्या रखोगे, 180 डिग्री. उसके बाद कन्वर्जन थोड़ा इजी हो जाता है. सो this will be tan of 19 into 180 upon 3. So 3 6 is so tan of 19 into 6. ठीक है. अब tan 1140 को same pattern में 360 से divide करो और उसके बाद उसको simplify. ठीक है, करो जल्दी से आंसर बताओ. tan of 3 into 360 plus 60. Okay, 1080 plus 60. So this equal to tan 60 and the value of tan 60 is, okay, the value of tan 60 is root 3. Okay, next question में आ रहा है. नेक्स्ट है साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाय 3. क्वेश्चन नंबर 9. साइन ऑफ माइनस 11 पाई अपॉन 3. सेम पैटर्न, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्या बन जाएगा, पहली चीज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. ये हमने अभी किया था, ये है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. इसका बहुत यूज होता है माइनस वाले का, तो इसको ध्यान रखना इसको. सो दिस विल बी माइनस साइन 11 पाई बाय 3. सो माइनस साइन 11 into pi by 3 मतलब 180 upon 3, तो 360 is a, so minus sin 660. ठीक है, अब sin 660 की वैल्यू निकालो जरा जल्दी से. तो this equal to minus sin 360 plus 300 हो गया. तो ये बना हमारा माइनस साइन 300. फोर्थ क्वाड्रेंट दिस विल बी माइनस ऑफ साइन ऑफ 360 माइनस 60 हो गया. साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो माइनस ऑफ साइन 60. सो दिस विल बी साइन 60 मींस रूट 3 अपॉन. एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10. ये दिया हुआ है cot of माइनस 15 पाई बाय 4. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो cot of माइनस थीटा माइनस cot थीटा बन गया माइनस cot 15 पाई बाय 4. तो माइनस cot 15 into 180 upon 4. तो ये हो गया 45. Minus cot of 45 into 15. ठीक है, 45 15.
675. ठीक है, सो दिस इक्वल टू माइनस cot ऑफ टी 60 प्लस कितना हो गया टी 152. तो 315 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, वो भी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बना माइनस cot ऑफ टी 15 डिग्री.